नमस्कार, मैं हूं नरेश श्वत्स। विश्व की सबसे अनोखी संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार मेरे साथ हैं। जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी, ये बताइए कि आपने कई निर्णयों से देश में एक अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, चाहे वो दिल्ली में प्रदूषण का मामला है, गंगा सफाई का मामला है, यमुना सफाई का मामला है, या रोहतांग दर्रे पर है, ये जो निर्णय ले रहे हैं कितना असर हुआ है इसका अभी तक? देखिए, निर्णय लेना मेरा काम है, उसका असर क्या होता है ये तो गवर्नमेंट जानती है या लोग जानते होंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स ये आया और देश कह रहा है, एक स्वर से जो है सभी समर्थन करें कि ऐसे कड़े निर्णय लिए जाने चाहिए जो आप ले रहे हैं, पर्यावरण को बचाया जा सकता है। देखिए, मैं तो जो कानून के मुताबिक काम होना चाहिए वो करता हूँ, बाकी जनता क्या सोचती है ये उनका अपना मामला है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा सर, आपने अब्दुल कलाम का बार बार जिक्र किया है, जो नई पीढ़ी है उसको एक मैसेज देने की बात आपने कही है और आप भी उसी की शुरुआत है। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि जो सीखा है किसी मासूम को दे दे तो अच्छा है, सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। आपका क्या प्लान है, आप किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कलाम साहब से बिल्कुल सहमत हूँ उनके विचारों से कि देश के जो आज की युवा पीढ़ी है उसके साथ ये संदेश देना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो तो उसका जो प्रभाव है वो हमेशा रहेगा और ज़्यादा परिणाम स्वरूप रहेगा। तो ये थे जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जो कह रहे थे कि पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा, उनको एक संकल्प लेना होगा। तो आप देखते रहिए कॉरेस्पोंडेंट टीवी।